You remember Vanda Petroxy, the gifted little artist who won the drawing contest? Well, she has written me, and I'm glad to know where she lives because now I can send her medal. I want to read her letter to class. The class sat up with a sudden interest and listened intently. तो जो टीचर है वो आए और उन्होंने बोला कि जो वांडा है उन्होंने उन्हें सुबह ही लेटर भेजी है और वो बहुत खुश हैं कि अब क्या है वो उनको उनका एड्रेस जो वांडा है उसका एड्रेस मिल चुका है और उसका जो मेडल उसने ड्राइंग कंपटीशन में जीता है वो उसको आराम से सेंड कर देंगे। और पूरी क्लास में एक सडन इंटरेस्ट आ गया, एक सुनने का चाह आ गया और उन्होंने चुपचाप जाकर अपनी सीट्स पे बैठ गए। डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 30? प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। तो वो कह रही है कि आप कैसे हो और रूम 13 कैसा है और प्लीज़ जो गर्ल्स वहाँ पे हैं उनको एक एक ड्रेसेस 100 ड्रेसेस दे दो, और क्योंकि मेरे जो न्यू हाउस है उसमें पहले ही मैंने 100 ड्रेसेस ले ली हैं, बना ली हैं और सब मेरी क्लोजेट क्लोजेट मतलब मेरी अलमीरा में लगे हुए हैं। आई हैड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग एंड हर फ्रेंड मैरी टू हैव द ब्लू वन। तो जो गर्ल है आपकी क्लास में पैगी, मैं उसको अपनी ड्राइंग जो मैंने ग्रीन ड्रेस बनाई है जिसमें रेड ट्रिमिंग लगी है, रेड कलर का कपड़ा नीचे लगा है, वो ड्रेस देना चाहती हूँ, और जो मेरी फ्रेंड है मैडी, जो उसकी फ्रेंड है मैडी, उसको मैं ब्लू वन देना चाहती हूँ। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, योर्स ट्रूली, वेंडा पेट्रोक्स। तो उसने कहा कि क्रिसमस टाइम आ गया है और मैं अपने स्कूल को बहुत मिस करती हूँ, और जो मेरी न्यू टीचर है वो बिल्कुल आप जैसी नहीं है, मैं उसको बिल्कुल नहीं कह सकती कि वो कभी आप जैसी बन सकती है, मगर मैं सबको मैरी क्रिसमस कहना चाहती हूँ। और योर ट्रूली, वेंडा पेट्रोक्स। तो वेंडा ने क्रिसमस गिफ्ट भेजे हैं क्लास 13 को, वो स्टिल उस क्लास को रिमेम्बर करती है। वो चाहती थी कि वो स्कूल ना छोड़ कर जाए मगर सडन अचानक उसका जो फनी नेम्स के कारण उसको लेग पुलिंग डिस्क्रिमिनेट किया जाता था उसके कारण उसको वहाँ से जाना पड़ा था। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड हर देयर ड्राॅइंग्स वेरी केयरफुली। ऑल द हाउसेज हैड व्रेथ्स एंड होली इन द विंडोज़। आउटसाइड द ग्रॉसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक्ड एंड इन द विंडो कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स एंड कॉर्पियस ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वॉज स्ट्रंग। तो अब क्या है, क्रिसमस का टाइम था और सारे घर के बाहर क्या है कुछ ना कुछ होली या कुछ ना कुछ डेकोरेशंस लगी हुई थी। इवन जो ग्रॉसरी स्टोर था क्रिसमस, वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज लगे हुए थे और ट्रीज के साथ क्या थी, कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स, बच्चे ऐसे कलर की स्टिक जैसी एक टॉफी सी होती है जो पेपरमिंट से बनी होती है, और इवन डेकोरेटिव कॉर्नोकोपिस जो एक डेकोरेशन है वो भी वहाँ पे लगी हुई थी शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर के साथ स्ट्रंग करके। द एयर स्मेल लाइक क्रिसमस एंड द लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो। तो हर जगह क्या है, क्रिसमस की एक हवा सी थी, हर जगह क्या है क्रिसमस का मूड था और लाइट्स जो थी वो शाइन कर रही थी जब वो स्नो के ऊपर रिफ्लेक्ट करती थी। बॉय सैड पैगी, दिस शो शी रियली लाइक्स अस। इट शोज शी गॉट आर लेटर एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरी थिंग्स ऑल राइट एंड दैट्स दैट्स। तो पैगी ऑन द वे बोल रही है कि मुझे लगता है कि उसे हम पसंद थे और उसको हमारी लेटर मिल चुकी है और ये उसका वे था हमें सब बताने का कि सब कुछ ठीक है और यही बात होगी पक्का। आई होप सो, सेड मैडी सैडली। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटल टाइट लिप पॉलिश गर्ल अगेन एंड कुडेंट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम। तो जो मैडी है उसे पता है कि वो कभी भी वांडा से कभी भी नहीं मिल पाएगी और कभी भी उस पॉलिश गर्ल को उसके टाइट लिप्स से जब भी किसी को आंसर देना था वो अपनी लिप्स को बहुत टाइटली बंद कर देती थी, तो उसको मिलने का कभी भी मौका नहीं मिल पाएगा और कभी भी उनकी जो चीज़ें बीच में जो गलत हुई थी वो कभी भी करेक्ट नहीं हो पाएंगी।
She went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. The shabby room came alive from the brilliancy of the colors. Mary sat down on her bed and looked at the drawing. She had stood by and said nothing, but Wanda had been nice to her anyway. तो when मैरी जैसे ही घर पहुंची उसने अपनी ड्राइंग को वॉलपेपर के ऊपर उनके बेडरूम पे लगा दिया और जो रूम बहुत गंदा था उसमें जान आ गई, उसमें उस ब्रिलियंसी ऑफ कलर, मतलब इतने ब्रिलियंट कलर उसने ड्रेस पे किए थे उसके कारण पूरा कमरा चमकने लग गया और जो मैरी है वो अपने बेड पर बैठ गई और वो वहाँ पर देखने लग गई और उसको कहीं ना कहीं एहसास होने लग गया, कहीं ना कहीं फीलिंग आने लग गई कि जो वांडा है वो उसके साथ हमेशा ही अच्छी थी, कभी भी उसके साथ उसने कुछ भी बुरा नहीं किया, ना कुछ कहा कभी उसको. टेयर्स ब्लर्ड हर आईज एंड शी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, देन हेजिटली शी रब्ड हर आईज एंड स्टडीड इट इंटेंटली. द कलर्स इन द ड्रेस आर सो विविड दैट शी हैड स्कार्सली नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्रॉइंग, बट इट लुक्ड लाइक हर मैडी, इट रियली लुक्ड लाइक हर own mouth. Why it finally looked like her own self, Wanda had really draw this for her. Excitedly she ran over to Peggy's. तो उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे और वो उस पिक्चर को बहुत देर तक देखती रही और अचानक जब उसने अपनी आंखें रब की तो उसने पढ़ा कि जो ड्रेस के कलर थे वो इतने क्लियर थे, विविड का मतलब क्लियर थे, कि उसने उसके फेस की तरफ नोटिस ही नहीं किया और कैसे उसने हेड और जो फेस बनाया था उसकी तरफ नोटिस ही नहीं गया उसका, मगर जैसे ही उसने उस फेस और कहते हैं उसकी हेड की बॉडी की स्ट्रक्चर को देखा तो उस वो बिल्कुल जो ड्राइंग थी वो बिल्कुल ही मैडी जैसी लग रही थी. मैडी का फेस ड्रॉ करके वो ड्राइंग बनाई गई थी और ये देखते साथ ही जो मैडी है वो फटाफट पैगी के घर भाग गई. पैग शी सेड लेट मी सी योर पिक्चर, व्हाट्स द मैटर, asked Peggy as they clattered to her room where Wanda's drawing was lying down on the bed. Maddie carefully raised it. तो फटाफट मैडी जो है वो पैग्स के घर में गई और उसने कहा कि तुम्हारी ड्राइंग कहाँ है, तो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ. तो जो ड्राइंग थी उसके बेड पे पड़ी थी तो मैडी ने केयरफुली उसको उठाया. लुक शी ड्रू यू एंड दैट्स यू, शी एक्सक्लेम्ड. And the head and face of this picture did look like Peggy. तो जैसे ही उसने वो ड्राइंग उठाई उसने कहा कि ये देखो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती थी ना, तुम्हारा हेड और फेस इस पिक्चर में बिल्कुल तुम्हारे जैसा बनाया गया है और ये ड्राइंग तुम्हारे लिए ही वांडा ने बनाई है. What did I say? said Peggy. She must have really liked us anyway. तो पैगी कहती कि मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं तो इतना ही बोल सकती हूँ कि वो हमें पहले दिन से ही बहुत पसंद करती थी. Yes, yes, she must have, agreed Maddie, and she linked away the tears that come every time she thought of Wanda standing alone in that sunny spot of the schoolyard. तो जब भी मैडी को Wanda की वो कंडीशन याद आती है कि वो स्कूल के यार्ड में खड़ी होती थी और सारी गर्ल्स उसको घेर कर खड़ी होती थी तो टीयर्स ऑटोमेटिकली उसकी आईज में से निकलने लग जाते थे. Looking sturdily over the group of laughing girls after she had walked off and after she had said, sure, 100 of them all lined up. तो मैडी को हमेशा उसकी वही चीज़ याद आती थी कि जब वो वहाँ खड़े होते थे यार्ड में और कैसे वो वहाँ पे गर्ल्स को फेस करती थी और जैसे वो निकलने लगती थी तो हमेशा बोल कर जाती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेज हैं और सब एक लाइन में लगी हुई हैं. बच्चे So this marks the end of the chapter and your homework is to do this oral comprehension check questions plus these thinking about the text also in your notebook. Thank you and have a nice day.